Srimati Mushina Kedwai? Now you call him. Call him, call him. Maniye Deputy Chairman Sahab, मैं बहुत आपकी मशकूर हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे भी इस बजट पे बोलने का वक्त दिया. इस बजट में वैसे आप देखिए तो इसमें मुझे ना तो कोई उत्साह नज़र आता, ना कोई कमिटमेंट सरकार का नज़र आता है. सिर्फ एक कहना चाहिए नंबर्स की वो है, और अगर आप डिटेल में जाइए तो इस बजट में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें बजट ऑन द होल कम ही किया गया, ज़्यादा नहीं किया गया. चूँकि वक्त कम है इसलिए मैं दो चार चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी इस गवर्नमेंट का आपके ज़रिए. सबसे पहला है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हमारे देश की है बाय एंड लार्ज, और इसी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की वजह से हमारा देश, वो जो इतनी ज़बरदस्त मंदी आई, पूरी दुनिया में रिसेशन आया, लेकिन हमारे देश उससे इसलिए बचा रहा कि वहाँ हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है. और उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी, जो एक माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह से इस देश को और पूरे हमारे साथियों ने बचाया, मैं समझती हूँ एक सराहनीय कदम था. लेकिन आज उसी एग्रीकल्चर की क्या हालत है? आप आज किसान खुदकुशी करने में आता है. मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जो उधर के हमारे साथी बोल रहे थे कि हमारी नीतियों के कारण वो आज किसान खुदकुशी पे आमादा है. हमारी नीतियों के कारण आज देश हरी क्रांति की तरफ बढ़ा है. ये इंदिरा गांधी की देन है कि जो उन्होंने हरी क्रांति को अपना एक मिशन बनाया. और क्यों बनाया, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने जिस तरह से इंदिरा गांधी जी को कोट किया गलत तरीके से. उन्होंने कहा कि इंदिरा जी का नाम लेके कि उन्होंने भीख की बात कही. किस संदर्भ में उन्होंने कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, ये उन्होंने नहीं बताया. जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने देश को, और वो आपको याद, पता नहीं आप में से कितनों ने वो PL-84 खाया है गेहूँ, लेकिन वो हम मांग के लाते थे तब हमारे देश का पेट भरता था. 30 करोड़ आबादी थी, 36 करोड़ की आबादी जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था, और आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन हम बाहर से भीख नहीं मांग रहे. हम अपने देश के किसान, हमारा देश का किसान पैदा कर रहा है और देश का पेट भर रहा है. आज इंदिरा जी ने क्या कहा था, जो उनको पूरी बात बताना चाहिए थे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को. इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम, जब तक हमारा देश, बुनियादी चीज़ ये है कि देश जब तक अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश मजबूत नहीं हो सकता. और ये स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में भी आपको मिलेगा, आपको मालूम है. और आज चूंकि वक्त की कमी नहीं तो मैं और आपको तफसील से बताती. उस वक़्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम अपने देश के किसानों को हर तरह से वो ज़राए मुहैया करेंगे, वो संसाधन मुहैया करेंगे कि वो अपनी पैदावार से इस देश को आत्मनिर्भर बनाए. और इंदिरा गांधी ने वो हरी क्रांति करके दिखाई. उनसे लोगों ने पूछा बाहर के देशों से कि इतनी जल्दी ये हरी क्रांति मैडम आपके यहाँ कैसे आ गई, तो आज की जैसी राजनीति के लिए मेरा चमत्कार इन्होंने नहीं कहा. उन्होंने कहा ये मेरे देश के किसानों और मजदूरों का चमत्कार है कि जिन्होंने आज देश को इस काबिल बनाया कि देश आत्मनिर्भर है इस अनाज के मामले में. आज आप कह रहे हैं इस बजट में कहा गया है, बहुत सी बातें कही गई, मैं जवाब इतनी जल्दी दे नहीं सकती, बता नहीं सकती, लेकिन एक बात जो ख़ास कही गई है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूसरी, मतलब डबल हो जाएगी. मेरी समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री जी के हाथ अलादीन का चिराग लग गया है या कोई जादू की छड़ी है कि जिसके ज़रिए वो जादू से दुगनी आमदनी कर देंगे. दुगनी आमदनी का मतलब आज जो आमदनी है किसान की, हर साल उसमें 16.5% का इजाफा होगा, तब कहीं जाके 2022 में वो आमदनी दुगनी होगी. लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई उपाय नहीं बताया गया कि आखिर ये आमदनी दुगनी होगी कैसे. इरिगेटेड लैंड है, उसमें आप कह रहे हैं कुएं और इस तालाब और वो सारी चीज़ें आप करेंगे जिससे सिंचाई होगी. ज़मीन उतनी है, उपज उतनी ही है,
और आप उसको दुगना करने की बात कर रहे हैं। क्यों आप किसानों को धोखा दे रहे हैं? पहले ही आप बहुत झूठे वादे कर चुके हैं, आज फिर आप उनको वरगला के और इस तरह की बात कर रहे हैं, ये मुनासिब चीज़ नहीं है। आपके पास कोई उपाय, उसका रोड मैप नहीं है कि आप किस तरह से उसको बढ़ाएं। किसी चीज़ में आपने किसानों को क्या, जो उनकी आपका बजट है 5,500 करोड़ बीमा योजना के लिए, वो बीमा योजना भी जैसी है वो आपको मालूम है कि किस तरह से वो आप अपने सारी ये सारा कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए, क्योंकि आप उनको प्राइवेट कंपनीज़ को उसमें शामिल करके उनसे को ये बताना चाहते हैं कि उनका जो बीमा है, आप ये बताइए 2 साल में जो बीमा योजना आप शुरू आपने की है उसमें कितना पैसा आपने कंपनीज़ को दिया और कितना पैसा किसानों को मिला? कुछ तो मालूम होना चाहिए कि किसानों की परेशानी कैसी। और दूसरे चेयरमैन साहब, इस बजट में जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का, उसका ज़रा बराबर कहीं तस्करा नहीं किया गया। एक तरफ इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, दूसरी तरफ हम किसानों से कह रहे हैं आप इंटरनेट पर अपना प्रोडक्शन उस पर जो प्रोड्यूस करते हैं उस पर आप बेचिए। कहीं बिजली नहीं है, वो नहीं है, इंटरनेट का इंतज़ाम नहीं, आप उनको ये वो कर रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आपने 200 करोड़ लोगों को कहा है, नौजवानों को, कि आप देंगे। मैं आंकड़ों के उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन पिछले साल भी आपने IIT का, IIM का आपने बजट रिड्यूस किया था और इस साल उसमें है ही नहीं। जब हायर एजुकेशन का और यूनिवर्सिटीज़ का बजट आपने काटा है, और मैं समझती हूँ बजट कट में आपका एक हिडन एजेंडा है कि इन बजट कट के ज़रिए आप यूनिवर्सिटीज़ में अपनी विचारधारा को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वच्छ भारत की प्रधानमंत्री जी ने बहुत बात की, बहुत अच्छी बात है, और वो गांधी जी से उन्होंने लिया कि गांधी जी जाहिर है सफाई पसंद थे, लेकिन गांधी जी मन की भी सफाई चाहते थे, लोगों के मन की भी सफाई चाहते, जो आपके पास नहीं है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, क्या था? जिस वक्त उन्होंने जंग आज़ादी छेड़ी है तो किसके ख़िलाफ़ छेड़ी थी? सल्तनत बरतानिया के ख़िलाफ़, जिनका कहा जाता था कि कभी सूरज गुरूब नहीं होता, इतनी बड़ी सल्तनत है, उनके ख़िलाफ़ उनका सबसे बड़ा हथियार था नॉन वायलेंस। वो आपको नहीं याद है कि नॉन वायलेंस गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था? बहुत से ऐसे वाक़े हैं कि मैं नहीं, अब इस वक्त वक्त नहीं है, कि उन्होंने पीक पे होते हुए जंग आज़ादी को रोक दिया कि अगर अच्छी मंजिल पाने के लिए बुरा रास्ता इख्तियार करो तो वो भी गलत बात। मैं चेयरमैन साहब, मुझे आप 2-4 मिनट और दे दीजिए, मैं काफ़ी मतलब 2-4 मिनट मुझे आप दे दें प्लीज़। तो मैं आपको कह रही थी नॉन वायलेंस की बात है। और तीसरी बात जो मैं ना कहना चाहती हूँ कि आजकल का जो देश का माहौल है, मेरे बहुत से साथी उस पर बोले, ये देश का माहौल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो योगा का बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि एक दफ़ा वो कूली दिमाग को सोचें और ये देखें कि ये देश कैसा है, इसका नक्शा कैसा है, ये कैसा देश, और नॉन वायलेंस के ज़रिए अगर आप इस देश का बनावट ऐसी, और आज वक्त आ गया है चेयरमैन साहब कि मैं कहना चाहूँगी प्रेजेंट डे सरकार से कि उनको अपना दृष्टिकोण, अपनी पॉलिसी और अपना नज़रिया, अपनी आइडियोलॉजी अब बतानी पड़ेगी इस देश को, कि आप इस देश को किस आइडियोलॉजी पे लेके जाना चाहते हैं, किस विचारधारा पे लेके जाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी जी की मूर्त तस्वीर पे मालाएं चढ़ा के आप गांधी जी को नहीं जिंदा रख सकते। गांधी जी की विचारधारा को जब तक आप नहीं मानेंगे, जब तक वो गांधी की विचारधारा से ही ये देश चल रहा है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज वक्त आ गया है कि आपको इस देश में, ख़ास तौर से जो यहाँ की माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो सिख हों चाहे ईसाई हों, बहुत बड़ा तबका मुस्लिम्स का है, आपको अपना नज़रिया, आपको अपना दृष्टिकोण उनके लिए साफ करना पड़ेगा कि आप किस तरह की, किस विचारधारा पे इस चीज़ को ले, इस
देश को लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि ये विचारधारा, इसकी बड़ी सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश का भाईचारा। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आप क्यों ये अननेचुरल बंटवारा हमारे बीच में करना चाहते हैं? और मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी में और आरएसएस की आइडियोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं है। एक ने मज़हब के नाम पे एक टेरिटोरियल बंटवारा कर लिया, सरहदों को बंटवारा कर दिया, और दूसरा जो है वो अपनी आइडियोलॉजी से इस देश में मज़हब के नाम पे देश का बंटवारा चाहता है। हमें ये किसी कीमत पे बंटवारा हमको मंजूर नहीं है, और ना हम इस आपके इस डर में हैं, ना दबाव में हैं कि हम एज ए मुस्लिम इस देश के बाशिंदे हैं, हम इस देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में मरेंगे। आपका सर्टिफिकेट हमें हुब्बुल वतनी वतन रस्सी के लिए नहीं चाहिए। और ये कैसा देश प्रेम है! मैं आखिरी बात कह के ख़त्म करूँगी, कहना मुझे बहुत था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे बड़े देश प्रेमी आप हैं। मुझे आपकी हुब्बुल वतनी वतन परस्ती में कोई संदेह नहीं है। हम भी उतने ही वतन परस्त, उतने ही इस देश के वफादार हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कैसा देश प्रेम है, ये कैसी देशभक्ति है! देश किसी चिड़िया का नाम नहीं है, देश नाम है 1,00,000,000,000 इंसानों का देश हिंदुस्तान। और ये कैसा देश प्रेम है! देश से प्यार है, देश के रहने वालों से नफरत है। ये कैसा देश प्रेम है! मैंने कहीं नहीं सुना ये देश प्रेम जैसा देश प्रेम आप कहते हैं। खुदा के लिए इस काम को बंद कीजिए। मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री लाचार, जब अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स पे उनको वो नहीं है कि वो जो चाहें कहते हैं। मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती हूँ कि जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तकलीफ़ होती है, लेकिन ये कि प्रधानमंत्री जी ना अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को रोक पाते हैं, ना अपने वर्कर्स को रोक पाते हैं, तो आखिर ये क्या है? क्यों नहीं बोलते कि उनको कहना चाहिए? मैं फिर कहना चाहती हूँ कि जवाब में ये मालूम होना चाहिए कि ये देश किस विचारधारा पे आप चलाना चाहते हैं, आपका नज़रिया साफ होना चाहिए। अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू श्री।